बसम्अल अज़ीज़ ब एक बार फिर आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ कल के लेसन में हमने फैक्टर्स पढ़े पढ़े फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं फ्लोज़ ऑफ करेंट्स में तो आज के लेसन के दौरान जो आज हमारा जो सब टॉपिक है टेंथ क्लास की साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकिटी उसका वो है ओमसला जनी आज हम ओमसला को स्टेट करेंगे कि ओमसिला क्या कहता है इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो डियर स्टूडेंट्स इन 1827 यानी अठारह में एक जर्मन का फिज़िक्स था जिसका नाम था जॉर्ज साइमंस ओम जिसका नाम था जॉर्ज साइमंस ओम्स उसने एक ला दिया जिसको ओम्सला के नाम से जाना जाता है तो ओम्सला गिवज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसने दिया क्या इसने तलक दिया कि भाई करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू ओमसला के मुताबिक टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड ये लॉ है हमारा जिसकी इसकी थेवरी है ओमसला क्या कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट

और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सिंबल हमारे पास वी है अक्रॉस इट्स एंड देन अकॉर्डिंग टू ओमसिला फिर ओम शिला क्या कहते क्या कहता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दिस कैन आल्सो बी रिटर्न एज तो इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं यहां क्या है आई परपोर्शनल टू वी वी पोटेंशियल डिफरेंस आई करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस इज परपोर्शनल टू आई पोटेंशियल डिफरेंस परपोर्शनल टू डायरेक्टली परपोर्शनल टू करंट आर वी इज आर वी इज इक्वल टू आर एन टू आई अब जहां एक और लेटर हमारे पास है जो है ये रेजिस्टेंस है क्या है रेजिस्टेंस है यानी जिसको हम कॉन्स्टेंट कहेंगे कॉन्स्टेंट्स रेजिस्टर कहेंगे यानी वेयर आर इज कॉल्ड और इज़ ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अब वो जो है ये रेजिस्टेंस हमें बार बार आएगा यानी रजिस्टेंस है कि कितनी मद ओपोजिशंस होती है किसी भी करंट्स को जब वो फ्लो करती है किसके अंदर एक कंडक्टर के अंदर जितनी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो वो अस, वो अफेक्ट उसका पड़ता है किस फ्लो पर फ्लो ऑफ करंट पर द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर द वैल्यू ऑफ दिस कंस्टेंट्स डिपेंड ऑन द नेचर लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड टेम्परेचर अब यानी ये जो रजिस्टेंस है जिसको हमने जो जो कहा और जो है ये कॉन्स्टेंट है जो रजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर नेचर ऑफ कंडर लेंथ ऑफ कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर द अबाव एक्वेचन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज यानी टू वी इज इक्वल टू आर एन टू आई पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होता है आर एन टू आई रेजिस्टर सेंट तो इसको हम इस शक्ल में भी लिखते हैं कौन सी शक्ल है वी अपन आई इज इकल टू आर V upon I is equal to R. अब ये सिम्पल है सिंपल एक्वेशन बन रही है हमारे पास यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट ये बराबर होता है किसके रेजिस्टेंस के वेयर वी द पोटेंशियल डिफरेंस आई द करंट एंड आर रेजिस्टेंस विच इज कॉन्स्टेंट तुशन इज ए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ ओम्सला अब ये जो एक्वेसन है वी अपन आई इज टू आर ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ओम्सला की तो इसको वर्ड इक्वेशन में आप ऐसे भी याद रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट इज टू कंस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस तो डेयर स्टूडेंट्स वी फाइंड दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस We find that the ratio of the potential difference applied between the end of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance. We have just seen that V upon I is equal to R or V is equal to I into R or <coughs> potential difference obliques resistance is equal to current. So, करंट आप ये पॉइंट आप याद रखेंगे सो so, करंट किसके बराबर होता है वी अपान R करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इट इज ऑबियस फ्रॉम दिस रिलेशनशिप दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस देयर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था ओम था तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल सलाह है आप इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे इसको बार बार रिपीट करेंगे बार बार सुनेंगे इन ये आपको समझ में आ जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही बाकी वसलाम